Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Mubeen Chaudhary. So, umeed karta hoon sab bhai theek honge, khushbash honge. Sab par Allah Taala ki rehmat baras rahi hai. So, subah ka time hai, bahar nikla tha, tubewell chal raha tha, desi mall tha. So, maine muh bhi wahi dhoya, bahut hi acha maza aaya, bahut hi garam pani tha. Subah ka chala hua hai tubewell. तो आपको भी दिखाता हूँ इस वीडियो में, आपने बल्कि देखा होगा, दिखाना क्या है क्योंकि पहले मैंने वीडियो वहीं बनाई है, सुबह का आगाज़ मैंने वहाँ से किया है। तो अभी आपको दिखाता हूँ आज का दिन कैसे गुजरता है, तो मिलते हैं फिर शॉर्ट ब्रेक के बाद। की कर रहे कोई भी क्यों पड़ती है वो पीछे चल रही है Thank you.
सही सही बात। तो ये है भाई गन्ना, गन्ने के खेत से लेकर आए जो मिस कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही मीठा है। तो ये मैंने तोड़ा यहाँ से अपने चाचू की फसल से। धूप निकली यार, सूर्य निकला हुआ है, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। आज तो ठंड भी नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम। तो पहले सुबह जब मैं घर से निकला था तो वहाँ हमारे गांव में ही जो है नेज़ाबाजी हो रही थी घोड़ों की। वो मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया क्योंकि अभी वो नेज़ाबाजी जो शो था उनका वो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मैं लेट बहुत था क्योंकि मैंने बाज़ार भी जाना था, एक काम था बैंक में। तो तकरीबन उस टाइम 12 बज चुके थे, तो 1-2 बजे मुझे लगता है बैंक बंद हो जाते हैं। लेकिन जब मैं पहुँचा उस वक़्त तो खुले हुए थे, तो मुझे ये डर था। तो नहीं, अगर वहाँ पर होता तो मुकम्मल वो भी वीडियो बनाता, लेकिन छोटा सा क्लिप बनाया मैंने। तो वो कह रहे थे कुछ दिनों के बाद हमारा बड़ा शो है नेज़ाबाजी का, तो फिर इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये भाई, इस भाई का ये घोड़ा है, तो ये देखिए अब ये कैसे बैक होता है। बट्टा है पीछे पूरा। हट पिछा, हट पूरा मेरे आला, पूरा हट पिछा, हट आला। ये देखें, ये भाई जानवर है, इससे कुछ सीखना चाहिए। क्या बात है, बल्ले टर गया तीटा गया इस पानिया ने। बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये ईंटों का भट्टा, यहाँ ईंटें बनती हैं जिनके घर तमीर होते हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, एक दोस्त आ रहा है मेरा, उनके ही है ये। तो हम जा रहे हैं आज फिर एड रसूल ब्राज पे। तो उसके बाद एक मैंने और लिया है
माइक बोया का उसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी जानने हो रही हैं, फिर बाद में वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। और अभी आपको दिखाता हूँ व्यू, ये जो ईंटें हैं ये पक चुकी हैं, जो अभी वो लोड कर रहे थे पहले आपको दिखा रहा था, क्योंकि वो अभी सेटिंग कर रहे हैं, फिर आग जलाएंगे पकाने के लिए। ये जो ईंटें आपको नज़र आ रही हैं ये पक चुकी हैं, ये मुकम्मल हो चुकी हैं। दूसरी साइड पे अब ये कच्ची ईंटें लगा रहे हैं जो मिट्टी की बनी हुई हैं, तो फिर वो भी पक जाएंगी, फिर सेल करेंगे। ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये ईंटें बनाते हैं। अभी जो ईंटों का रेट चल रहा है वो 9000 है, 1000 ईंट का 9000 रुपया है। बहुत महंगी है, सर्दी का मौसम है तो इसलिए बहुत महंगी है। जो ज़्यादातर ईंटों के भट्ठे हैं वो बंद पड़े हुए हैं, बारिशें हो रही हैं, मौसम गंदा है, तो ईंटें सूखती नहीं जो कच्ची हैं बनाते हैं, तो इसलिए। आ जान के सामने भाई मछली सेल हो रही है इस नहर की। इस साइड पे ये पार्क है, ये जो नहर है ये दरिया जेलम से आती है और दरिया चिनाब में जाती है। दरिया जेलम से इसका पानी आता है, वहाँ से निकलती है, जो एड रसूल बराज पर है, वाकिया है।